ग्रेट। चलें जी, आज इंशाल्लाह फिर फोर्थ चैप्टर को हम कंक्लूड करते हैं। साथ ही हम इसके कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चंस को भी रिव्यू करते हैं। कल हम इंशाल्लाह कल्चर स्टार्ट करेंगे और इस वीकेंड तक हम अपना 11th चैप्टर का पहला पोर्शन कंप्लीट कर चुके होंगे। नेक्स्ट वीक में आपके मिड टर्म्स हैं, तो बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर मिड टर्म्स। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे विल बी वेरी हेल्पफुल इंडीड, सो दैट यू कैन स्कोर गुड। सो जेमिनाई 4R मॉडल, ये बेसिकली एक अमेरिकन ग्रुप है जेमिनाई कंसल्टेंट्स के नाम से, एंड दिस ग्रुप हैज इंट्रोड्यूस्ड दिस मॉडल। दिस मॉडल इज वेरी मच कंपेरेबल विद परस्पेक्टिव प्लान चेंज थ्योरी, अनफ्रीज चेंज एंड रीफ्रीज वाला जो मॉडल है उसके साथ इसे आप बड़ी आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। यू कैन इजीली कंपेयर इट, ठीक है ना। और इसके अंदर हम चार स्टेजेस को रिव्यू करते हैं। जेमिनाई 4R मॉडल टॉक्स अबाउट के किसी भी चेंज प्रोसेस में सबसे पहले आप रीफ्रेम करते हैं। रीफ्रेम इज कंपेयर टू अनफ्रीजिंग। रीफ्रेम को हम अनफ्रीज की स्टेट से कंपेयर कर सकते हैं। इट कैन बी कंपेयर्ड विद अनफ्रीजिंग। इसके अंदर वही काम करते हैं हम अनफ्रीज में करते हैं। क्या करते हैं, वी क्रिएट अ डिजायर फॉर चेंज। हम डिजायर फॉर चेंज क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं, बाय मेकिंग पीपल डिससैटिस्फाइड फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स। फिर हम एक विजन क्रिएट करते हैं एक एंटिटी का, व्हाट दे आर ट्राइंग टू अचीव। इट मीन दैट वी गिव देम अ पॉजिटिव अल्टरनेटिव। अगर आप नीड फॉर चेंज के बाद उन्हें अल्टरनेटिव ऑफर नहीं करेंगे तो दे वोंट बी एबल टू अचीव व्हाट दे आर ट्राइंग टू। फिर एक मेजरमेंट सिस्टम एस्टैब्लिश करते हैं, टारगेट सेट करते हैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट के हवाले से। सो रीफ्रेम का प्रोसेस अनफ्रीज को रिफ्लेक्ट करता है। लाइक व्हाट एवर वी डू इन द स्टेज ऑफ अनफ्रीज, वी डू इट इन द रीफ्रेमिंग। फिर हम रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं। रीस्ट्रक्चर और रिवाइटलाइज, ये दोनों भी दोनों जो स्टेजेस हैं दे आर ओके। तो ये जो स्टेज है इसकी, रीस्ट्रक्चर की और रीवाइटलाइज की, इसे हम कंपेयर कर सकते हैं विद द मूवमेंट स्टेज ना। इसको आप ये मूवमेंट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। लाइक व्हाट एवर वी डिस्कस इन द मूवमेंट, इसे आप फिर रीस्ट्रक्चर और रीवाइटलाइजेशन में काउंट कर सकते हैं। तो रीस्ट्रक्चर में आप क्या करते हैं, लाइक यू क्रिएट एन इकोनॉमिक मॉडल। इकोनॉमिक मॉडल से हमारा ये है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है दैट हैज़ टू बी कॉस्ट इफेक्टिव, दैट मस्ट क्रिएट सम वैल्यू फॉर द आउटपुट। वट एवर आउटपुट यू आर क्रिएटिंग, उसमें वैल्यू कैसे क्रिएट करते हैं आप, एंड वट रिसोर्सेज आर डिप्लॉयड। रिसोर्सेज की इसमें एक डिबेट आ जाती है। वट एवर रिसोर्सेज यू हैव, हाउ आर दोज रिसोर्सेज यूज, ये एक इकोनॉमिक मॉडल क्रिएट करता है। तो ये बात ऊपर भी एक जगह डिस्कस हुई थी, फिर रिमेंबर कि यू नीड द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर जो आपके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आउटकम क्रिएट करे। सो दैट स्ट्रक्चर वुड बी कॉल्ड एज एन इकोनॉमिक मॉडल। ऐसे स्ट्रक्चर को हम इकोनॉमिक मॉडल का नाम देते हैं। सो रीस्ट्रक्चरिंग में आपका जो प्राइम पर्पस होता है दैट इज टू क्रिएट वैल्यू, एंड दैट वैल्यू कैन बी क्रिएटेड ईदर बाय हैविंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर और बाय रीडिजाइनिंग द एक्टिविटीज एंड द प्रोसेसेस। एक्टिविटीज और प्रोसेस को भी रीडिजाइन करके आप वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के अंदर व्हाट वी डू इज वी चेंज द प्रोसेसेस एंड वी चेंज द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन वी हैव रीवाइटलाइज। वाइटल मींस लाइफ, रीवाइटलाइज मींस टू गिव अ न्यू लाइफ टू टू एंटिटी। ये कैसे करते हैं, बाय लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स, बाय एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट्स, बाय establishing fit with the environment, inventing new businesses, introducing new technologies,
सो दीज आर सम ऑफ द वेज जिसके थ्रू आप रिवाइटलाइज करते हैं. रिवाइटलाइज से मुराद ये है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नए प्रोडक्ट्स, नई मार्केट और नए बिजनेसेस को इनिशिएट करते हैं. एंड दिस होल प्रोसेस डील विद द मूवमेंट स्टेज. पूरा प्रोसेस जो है ये मूवमेंट की स्टेज को डील करता है. सो व्हाट यू टॉक अबाउट इन द मूवमेंट स्टेज वो सेम एक्टिविटीज आप फिर यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं इन द रिस्ट्रक्चरिंग एंड रिवाइटलाइज फेज. एंड देन द थर्ड स्टेज टॉक अबाउट रीन्यू. जो रीफ्रीज डिस्कस किया था उसके अंदर आप रीन्यू वाला जो एलिमेंट है वो डिस्कस करते हैं. कैसे? बाय रिवॉर्डिंग पीपल, मेकिंग श्योर दैट पीपल हैव द स्किल व्हिच इज रिक्वायर्ड टू ट्रिगर द चेंज, क्रिएटिंग अ रिवॉर्ड सिस्टम फॉर चेंज, मोटिवेटिंग इंडिविजुअल्स टू सीक चेंज, मेकिंग यू नो डेवलपिंग इंडिविजुअल्स सो दैट दे कैन अचीव सम लर्निंग, इंडिविजुअल लर्निंग एंड क्रिएटिविटी विद इन द एंटिटी. तो ये बेसिकली पूरा प्रोसेस जो है ये रिन्यूअल प्रोसेस है. इस रिन्यूअल प्रोसेस के अंदर आप रीफ्रीज वाला काम करते हैं. यू ट्राई टू रीफ्रीज द थिंग्स. सो दिस मॉडल इज हाईली कंपेरेबल टू दैट पर्सपेक्टिव प्लान चेंज थ्योरी. 4R मॉडल जो है ये पर्सपेक्टिव प्लान चेंज थ्योरी के साथ अलाइंड है. द सेम कॉन्सेप्ट्स कैन बी अप्लाइड ओवर हियर एज वेल. इसके बाद एक आखिरी मॉडल है दैट इज 7S. 7S फ्रेमवर्क जो है ये 81 में पब्लिश किया गया था और इसको फिर मैकिन्ज़े फर्म ने अडॉप्ट किया था. तो इसको हम मैकिन्ज़े 7S के नाम से भी जानते हैं. मैकिन्ज़े 7S मॉडल जो है दैट इज यूज्ड फॉर सक्सेसफुल चेंज इम्प्लीमेंटेशन. 7S मॉडल में 7 फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं चेंज की इफेक्टिवनेस के अंदर. एंड इट इज बिलीव्ड दैट अगर आपने स्ट्रेटेजिक चेंज को सक्सेसफुल इंट्रोड्यूस करना है तो यू हैव टू कंसिडर ऑल द 7S फैक्टर्स. आइडियल केस सिनेरियो में 7ों के 7ों फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं चेंज की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर. एंड इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज फेलिंग टू इम्प्लीमेंट अ चेंज सक्सेसफुली, अगर एक इदारा चेंज को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब ये है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनमें से किसी एक फैक्टर को स्किप किया गया है या उसको ओमिट कर दिया गया है और इट हैज बीन लुक्ड ओवर, उसको ओवरलुक कर दिया गया. इन 7 फैक्टर्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट पार्ट इज द हार्ड फैक्टर एंड द सेकंड पार्ट इज द सॉफ्ट फैक्टर्स. हार्ड फैक्टर्स का मतलब ऐसे फैक्टर्स जिनको आप रेडिली मेजर कर सकें, ऑब्जर्व कर सकें, व्हिच कैन डायरेक्टली बी सीन. फॉर एग्जांपल योर स्ट्रेटजी, योर स्ट्रक्चर एंड योर सिस्टम्स, दे माइट बी रेफर्ड टू एज हार्ड फैक्टर्स. फिर देर आर सम सॉफ्ट फैक्टर्स, मतलब जिनको आप रेडिली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड. इनको मेजर करना मुश्किल होता है, जैसे स्किल्स होते हैं, मतलब लोगों के स्टाइल्स होते हैं, लाइक कल्चर. इन फैक्टर्स को मेजर करना जो है वो डिफिकल्ट होता है. दीज फैक्टर्स कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड. फॉर एग्जाम्पल स्टाफ, लाइक द एट्रीब्यूट्स ऑफ पीपल, देयर मोटिवेशन, देयर लॉयल्टी, देयर सैलरीज, वेजेस, वर्किंग कंडीशंस, इन फैक्टर को आप मेजर नहीं कर सकते. इसी तरह स्किल्स को आप मेजर नहीं कर सकते, डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते व्हाट पीपल डू गुड, या क्योंकि कोई यूनिफॉर्म स्केल नहीं है मेजर करने का. स्किल को, प्रेफर्ड स्टाइल को मेजर करने का स्केल नहीं है. सम पीपल लाइक ऑटोक्रेटिक स्टाइल, सम पीपल लाइक डेमोक्रेटिक स्टाइल. देयर इज नो वन वे टू मेजर. सिमिलरली कल्चर, शेयर्ड वैल्यूज जो है ये कल्चर को डिफाइन करते हैं. तो स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम्स को हम मेजर कर सकते हैं. स्ट्रेटजी एक इदारे की गोल ऑब्जेक्टिव में डिफाइन की जाती है, उसके प्लान का हिस्सा होती है. स्ट्रक्चर आपके ऑर्गेनोग्राम का पार्ट होता है. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आप ले डाउन करते हैं एक एंटिटी का, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एलोकेशन ऑफ अथॉरिटीज. सिस्टम्स को आप इस्टेब्लिश करते हैं, मैनुफैक्चरिंग सिस्टम, प्रोसीजर्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. सो ऑल ऑफ द हार्ड फैक्टर्स कैन ईजिली बी टेंजिबलाइज्ड और मेजर्ड, इनको आप टेंजिबली मेजर कर सकते हैं. जो सॉफ्ट फैक्टर्स हैं इनको हम टेंजिबली मेजर नहीं कर सकते. दे वेरी अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, ये वेरी करते हैं. एक डिफरेंस ये भी है कि हार्ड फैक्टर्स यूनिफॉर्म होते हैं अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, पूरे इदारे में एक ही तरह से अप्लाई होते हैं. स्ट्रक्चर पूरे इदारे का एक होगा, स्ट्रेटजी पूरे इदारे में कॉमन होगी, सिस्टम इदारे के यूनिफॉर्म होंगे. जबकि इसके अंदर ये जो सॉफ्ट कॉम्पोनेंट्स हैं दे वेरी, इनमें वेरिएशन लेवल जो है काफ़ी हाई होते हैं. So that's why we call them soft factors. So this is how we define the strategy can be recorded in your strategic plan.
स्ट्रक्चर जो है आपका ये ऑर्गेनोग्राम में मेजर हो जाता है, सिस्टम्स आपके मैनुअल में आ जाते हैं। ऑन द अदर हैंड द सॉफ्ट कोर फैक्टर्स दे आर हार्डर टू डिफाइन। फॉर एग्जाम्पल यस देर आर सम कॉम्पोनेंट्स जिनको डिफाइन कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक पे है, सैलरी है, वेजेस है, बट सम फैक्टर्स माइट बी डिफिकल्ट, सम फैक्टर्स माइट बी डिफिकल्ट टू डिफाइन लाइक द लॉयल्टी ऑफ पीपल फॉर एग्जाम्पल। हाउ वुड यू मेजर दैट? ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर वेरी मच कोरिलेटेड। इन सारे फैक्टर्स को हम आपस में कोरिलेट करते हैं, तो 7S को हम एक मॉलिक्यूल के तौर पर देखते हैं। We look at this model like a molecule of seven atoms. That's why we call it managerial molecule. इस मॉडल को फिर आप मैनेजीरियल मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं कि इसमें ये सारे के सारे जो फैक्टर हैं दे आर हाईली इंटरवोवन, दे आर हाईली इंटरकनेक्टेड एंड ईच फैक्टर हैज़ एन इम्पॉर्टेंट कनेक्शन विद अदर फैक्टर। हर फैक्टर जो है वो दूसरे फैक्टर के साथ कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है, इंटरवोवन है। तो जब भी कोई चेंज आता है तो किसी ना किसी एक फैक्टर में आता है और फिर उसका जो लास्टिंग इफेक्ट है वो बाकी सारे फैक्टर्स पे पड़ता है। व्हेनेवर यू ट्राई टू ब्रिंग अ चेंज और इंट्रोड्यूस अ चेंज इट विल ट्रिगर फ्रॉम वन फैक्टर एंड देन इट विल हैव अ लास्टिंग इफेक्ट ऑन ऑल द अदर फैक्टर्स। ठीक है ना, सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट फिनोमेनन। सो 7S फ्रेमवर्क के अंदर देर आर द हार्ड फैक्टर एंड सॉफ्ट फैक्टर्स एंड ईच ऑफ दीज फैक्टर्स हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले। अच्छा, जब भी आप किसी भी चेंज प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं इफ़ यू आर फेलिंग टू टेक इनटू कंसिडरेशन एनी ऑफ दीज फैक्टर्स इट विल हैव एन एडवर्स, एडवर्स मीन्स नेगेटिव इम्प्लीकेशन ऑन ऑल द अदर सिक्स फैक्टर्स। व्हेनेवर यू हैव टू ब्रिंग अ चेंज इफेक्टिवली यू हैव टू मेक श्योर के सारे फैक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस मिले। In fact, one of the reason for which strategic change failed, वो यही है कि जब इस मॉडल को पहले डिवाइस किया गया था तो रिसर्च उस वक्त जो की गई थी दैट शोड के यूएस कॉरपोरेशन जो हैं दे टेंडेड टू फोकस मोर ऑन हार्ड फैक्टर्स एंड दे टेंडेड टू इग्नोर द सॉफ्ट वेरिएबल्स। तो मैकिन्ज़े ने कहा था दैट वाई दैट वॉज द रीजन फॉर विच मेजोरिटी ऑफ द चेंजेस फेल, के सॉफ्ट वेरिएबल्स को आप इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे और सारा फोकस जो है वो आपका हार्ड फैक्टर्स के ऊपर है। तो 7S मॉडल के मुताबिक व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू कैरी आउट एन इंटरनल असेसमेंट ऑफ कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज और उसकी बेस के ऊपर फिर हम ये मेजर करने की कोशिश करते हैं कि किस फैक्टर से चेंज आएगा और उसका इम्पैक्ट बाकी फैक्टर्स पे क्या पड़ेगा। इस फिनोमेना को एक टर्म डिस्कस पहले भी की थी दैट इज नॉक ऑन इफेक्ट। नॉक ऑन इफेक्ट का मतलब ये होता है कि किसी एक चीज़ में जब चेंज आता है तो वो किस तरह किसी दूसरी चीज़ को इन्फ्लुएंस करता है। अ चेंज इन वन फिनोमेना हाउ इट ट्रिगर्स अ चेंज इन द अदर फिनोमेना, इसे नॉक ऑन का नाम दिया था। सो व्हेनेवर देयर विल बी अ चेंज इन वन एस फैक्टर्स अदर एस फैक्टर्स विल बी अफेक्टेड टू। अगर हार्ड फैक्टर में चेंज आ रहा है तो दैट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द सॉफ्ट फैक्टर्स। अगर सॉफ्ट फैक्टर्स के अंदर कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है तो इट मीन्स कि हार्ड फैक्टर्स में आने वाले चेंज को इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। यू हैव टू काउंटर बोथ, दोनों को काउंटर करना होता है, हार्ड फैक्टर्स को भी और सॉफ्ट फैक्टर्स को भी। किसी एक को अगर आप ओमिट करेंगे या स्किप करेंगे तो दैट वुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द अदर्स। इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल भी है, ये देखो एक कंपनी ने रिकग्नाइज किया है कि उनके कस्टमर सर्विसेज प्रोसेस बड़े वीक हैं एंड दे वॉन्ट टू इम्प्रूव देयर कस्टमर सर्विसेज सो दैट देयर कस्टमर गुडविल कैन इम्प्रूव। सो ये अब वो चेंज लाना चाह रहे हैं अपनी स्ट्रेटजी के अंदर, दे वॉन्ट टू चेंज देयर स्ट्रेटजी। अब जब वो स्ट्रेटजी में चेंज लाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें एक नया कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट खोलना पड़ेगा, दैट वुड चेंज देयर स्ट्रक्चर, दे हैव टू रिक्रूट न्यू स्टाफ, दे हैव टू ऑर्गेनाइज इनटू कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट एंड टीम। फिर वो जो नया स्टाफ हायर करेंगे उनको ट्रेन करेंगे, ठीक है, दे हैव टू ट्रेन द स्टाफ, स्किल में चेंज आएगा। फिर जो नया स्टाफ हायर कर रहे हैं उनकी कोई ना कोई सैलरी सेट करेंगे, उनकी वेज रेट होगी, उनका एक सर्टन लेवल ऑफ मोटिवेशन होगा, स्टाफ में चेंज आएगा। फिर सीनियर मैनेजमेंट जो है वो एक कल्चर डेवलप करेगी अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट अवेयरनेस ऑफ द नीड फॉर बेटर क्वालिटी थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर सर्विसेज के थ्रू।
ये शेयर्ड वैल्यूज का कल्चर का चेंज होगा, नए प्रोसीजर्स बनाए जाएंगे, गाइडिंग प्रिंसिपल्स बनाए जाएंगे कि कस्टमर क्वेरीज को कैसे हैंडल करना है, कस्टमर कंप्लेंट को कैसे टैकल करना है, ये सिस्टम में चेंज आएगा। फिर जब आप ये प्रोसीजर्स, ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स को डील करने के सिस्टम बना लेंगे, तो फिर आप एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करेंगे कि वो कस्टमर क्वेरीज को, कस्टमर कंप्लेंट्स को अपने एंड पे खुद से भी डील करने के काबिल हों। ये स्टाइल का चेंज आएगा, दैट वुड बी चेंज इन स्टाइल। सो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पॉइंट में चेंज आ रहा है, दैट इज़ आप स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हैं, और इसका लास्टिंग इफेक्ट जो है वो पूरे इदारे में ट्रिगर हो रहा है, एंटेल हो रहा है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वे टू अंडरस्टैंड दैट हाउ चेंज इनकलकेट्स, किस तरह चेंज एक पर्टिकुलर फिनोमेना से स्टार्ट होता है और फिर वो लास्ट करता है बाकी सारी चीज़ों के अंदर। ठीक है, सेवन इस मॉडल को यूज़ करने का एक बेहतर तरीका ये कि हम पेयरिंग कर लेते हैं, वी टेक पेयर ऑफ ईच ऑफ द फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, आप स्ट्रैटेजी को पहले पेयर कर लें स्ट्रक्चर के साथ, फिर आप स्ट्रैटेजी को पेयर कर लें सिस्टम के साथ, फिर आप स्ट्रैटेजी को पेयर कर लें स्टाइल के साथ, फिर आप स्ट्रैटेजी को पेयर कर लें स्किल के साथ, तो पेयरिंग कर लेते हैं। पेयर करने से रिलेशनशिप क्लियर हो जाता है। तो वन वे टू यूज 7S मॉडल इज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ चेंज इन पेयर्स। किसी एक फैक्टर में क्या चेंज लेके आएंगे तो उसका एडवर्स इफेक्ट दूसरे फैक्टर पे क्या होगा, तो आप पेयरिंग में इसको स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप स्ट्रक्चर और स्किल का पेयर बना लें। अब अगर एक इदारा स्किल चेंज कर रहा है, दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज द स्किल ऑफ अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज बाई गिविंग दैम ट्रेनिंग टूवर्ड्स प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, तो जब आप उन्हें ट्रेन कर देंगे, वेन यू विल ट्रेन द पीपल, सो वट विल हैपन, पीपल माइट एक्सपेक्ट ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसीजन मेकिंग एंड दे माइट एक्सपेक्ट लेस सुपरविजन। तो फिर आपको स्ट्रक्चर भी चेंज करना पड़ेगा, यू माइट हैव टू कन्वर्ट टू अ फ्लैट स्ट्रक्चर फ्रॉम अ टॉल स्ट्रक्चर। इसका मतलब है कि चेंज और स्ट्रक्चर जो है ये बड़े को रिलेटेड हैं। अ चेंज इन स्किल वुड देयरफॉर हैव इम्प्लिकेशंस टू चेंज द स्ट्रक्चर, यू सी। तो हम जब डिसीजन मेकिंग करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो भी अगर आपने किसी चेंज प्रोसेस को मैनेज करना हो इफेक्टिवली, तो फिर आप पेयरिंग में इसको डिस्कस कर लेते हैं, यू टेक पेयर्स। ठीक है, पर इसका फायदा ये होता है कि आप प्लानिंग बेहतर कर सकते हैं, शुड मेक यू एबल टू प्लान फॉर द चेंज, दैट चेंज कैन बी कैरिड आउट सक्सेसफुली। फॉर एग्जाम्पल, जो भी डिस्कस किया स्किल और स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन, अगर आप स्ट्रेटजी में स्किल को बिल्ड कर रहे हैं, तो दैट माइट बी कंपनीड बाय अ प्लान टू चेंज योर स्ट्रक्चर। यू शुड बी देयरफॉर केयरफुली प्लानिंग रीस्ट्रक्चरिंग एज वेल एट द सेम टाइम व्हेन यू आर इंप्रूविंग द स्किल ऑफ द एम्प्लॉइज। तो ये प्लान आप कर लेते हैं जब आप किसी ना किसी एस को छेड़ते हैं या उसमें चेंज लेके आते हैं, तो आपकी प्लानिंग बेहतर हो जाती है। ठीक है ना, इससे आपकी ग्रेजुअल डिपेंडेंस जो है वो कम हो जाती है फ्रंट लाइन सुपरवाइजर्स पे, सो यू माइट बी इन अ बेटर पोजीशन टू यू नो मोटिवेट एम्प्लॉइज एंड गिव देम पावर टू मेक डिसीजन। तो ये पेयर्स जो हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फिर हमारे लिए, कि हम फिर पेयर्स में डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है तो उसका स्किल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है तो उसका इम्पैक्ट स्ट्रेटजी पे क्या पड़ेगा। ये पेयर्स जो हैं इससे हमारी क्लैरिटी बेहतर हो जाती है। दैट्स जस्ट वन एग्जाम्पल, अब स्किल को पढ़ाने की वजह से स्टाइल में भी फर्क आएगा, ये एक पेयर। स्केल को चेंज करने की वजह से आपके सिस्टम्स भी चेंज होंगे, दैट माइट अदर पेयर। तो आप पेयरिंग में आप इस मॉडल को यूज करते हैं। इस मॉडल के दो पार्ट्स हैं, पहला पार्ट इस मॉडल का जो है वो डिस्क्रिप्टिव है, वेयर यू हैव टू एक्सप्लेन द 7 फैक्टर्स, और दूसरा पार्ट इस मॉडल का एप्लीकेशन बेस्ड है, वेयर यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट हाउ द 7S मॉडल इज अप्लाइड इन अ चेंज प्रोसेस। दोनों पार्ट्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग एग्जामिनेशन। इसमें पहला पार्ट इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ डिस्क्राइबिंग दूसरा पार्ट इसमें इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग किस तरह से हम 7S मॉडल को इस पे चेंज को मैनेज करने के लिए डिप्यूट करते हैं या डिप्लॉय करते हैं। सो दैट ब्रिंग्स दिस टॉपिक टू एन एंड। इस चेंज मैनेजमेंट के टॉपिक में वी ब्रॉडली हैव डिस्कस्ड टू इम्पॉर्टेंट स्ट्रीम्स। पहले डिस्कस किया था हमने कि चेंज होता क्या है, व्हाट इज चेंज, और फिर हमने डिस्कस किया है हाउ टू मैनेज चेंज। स्ट्रेटेजिक चेंज क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और स्ट्रेटेजिक चेंज को हम मैनेज कैसे करते हैं। दीज टू आर इम्पॉर्टेंट स्ट्रीम्स ऑफ दिस चैप्टर, और इन दोनों स्ट्रीम्स में से आपके एग्जामिनेशन के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट एरियाज में मौजूद हैं। कुछ टॉपिक्स पहले टेस्ट हो चुके हैं, कुछ टॉपिक्स फर्दर टेस्ट हो सकते हैं, वी कैन हैव अ क्विक रीकैप ऑफ ऑल द टॉपिक्स दैट हैव बीन टेस्टेड सो फार, और वो टॉपिक्स जो अभी टेस्ट नहीं हुए तो उसके अंदर हम इन अब सारे टॉपिक्स एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं।
this is how this chapter is portrayed in your examination so far. This chapter ka jo abhi tak impression hai, abhi recently this attitude to change pe aur ye Kurt Lewin perspective plan change theory pe in dono ko test kiya gaya. Like there was a situation given aur the situation mein pucha gaya tha ji ki what are the four reasons for which people resist change, log kyun change ko resist karenge. Like if you look at this question, this was the question. Ek scenario diya ja raha hai ek institute ka aur uske andar ek change process jo hai wo identified hai aur uske andar you are asked ke ab is change process ke andar reasons kya hain जिसकी बेस पे लोग चेंज को रेजिस्ट करेंगे नंबर वन, और दूसरा इसमें कर्ट लेविन का जो मॉडल है वो अप्लाई करने को कहा जा रहा है कि कर्ट लेविन के मॉडल के मुताबिक यू हैव टू सजेस्ट दैट व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ द चेंज प्रोसेस, स्टेजेस क्या होंगी चेंज प्रोसेस की जिसके थ्रू आप इस चेंज को इंड्यूस करेंगे. वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ये और ये. ठीक है, इससे पीछे मूव करें तो चेंज और स्ट्रक्चर पे एक क्वेश्चन अपेयर हो चुका है. स्ट्रक्चर और चेंज का क्या रिलेशन है आपस में, ये कल्चर वाला जो टॉपिक है जो अभी हमने स्किप किया था, दैट वाज चेंज अडेप्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये वाला जो टॉपिक था. सो फार वी हैव नॉट डिस्कस्ड इट, वी विल टॉक अबाउट इट सून हियर. दीज वर द थ्री पॉइंट्स व्हिच वर आस्क्ड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. चेंज अडेप्ट एंटिटी के फीचर्स क्या होते हैं, और दूसरा मैकिन्से का क्वेश्चन था. That was again an application question. A situation was given and you were asked to apply McKinsey 7S model. If you look at this question precisely, ये था जी question, this one, McKinsey के ऊपर. A situation is given and then you have to identify and briefly discuss the seven factors in the 7S model that the firm might consider while implementing the above change. A question worth 8 marks. This question mein aapne wo saaton factors hain wo precisely explain karne the. So that was a very interesting question. Thoda aur piche move kare. To here in 17, this was a very tricky question. Force field and Kurt Lewin's perspective plan change theory. एक ही question में दोनों test किए गए थे. Part A में factors पूछे थे Kurt Lewin की पर से, ये force field के resisting factors कौन से होंगे और इसके driving forces कौन सी होंगी. और part B के अंदर process of change पे question था कि unfreeze change और refreeze जो model है वो किस तरह से apply होगा. यू कैन सी कि ये वाला क्वेश्चन दो दफ़ा अपेयर हो चुका है इन टू अटेम्प्ट्स. ठीक है, उससे पहले ट्रिगर्स पे क्वेश्चन आ चुका है. ट्रिगर्स ऑफ चेंज क्या होते हैं, हाउ दीज ट्रिगर्स बिकम एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज प्रोसेस, इट वॉज वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन. उससे पीछे फिर मैकिन्से 7S पे क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था 7S फैक्टर्स के ऊपर. एंड लिस्ट एंड ब्रीफली डिस्क्राइब, उससे पहले कंजेक्टिव जो दो पेपर थे उसमें लेवल्स ऑफ चेंज पे क्वेश्चन आया था, और ये दोनों सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन थे. बोथ ऑफ दीज वर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन एंड दीज वर कंजेक्टिव क्वेश्चन जिसमें लेवल्स के ऊपर क्वेश्चन किया गया. यू कैन वेरी फेयरली सी दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज दैट हैव बीन टेस्टेड आर द मॉडल्स. मॉडल्स सिवाय जेमिनी 4R के तकरीबन सारे मॉडल्स टेस्ट किए गए हैं. स्किल्स ऑफ चेंज मैनेजमेंट पर अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट एरिया टू एड्रेस इन योर अटेम्प्ट. रिएक्शंस ऑफ चेंज के ऊपर अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जिसमें आप वो एंट्रेंचमेंट और बीग्रजिंग एक्सेप्टेंस वाले जो फैक्टर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर सवाल आना बाकी. सो एंड देन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ चेंज, चेंज के कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं, इसके ऊपर अभी तक क्वेश्चन कोई अपेयर नहीं हुआ. सो देर आर सम इम्पॉर्टेंट एरियाज जिसके ऊपर अभी तक क्वेश्चन नहीं आया पेपर में, एंड सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माइट अपीयर इन द एग्जामिनेशन.
अदरवाइज कुछ क्वेश्चंस के अंदर, कुछ एरियाज के अंदर क्वेश्चंस अपेयर हो चुके हैं. सो बी वेरी क्लियर, वेरी केयरफुल टू अंडरस्टैंड एंड टू डिटरमिन दैट विच एरियाज हैव बीन टेस्टेड. जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको बड़ा केयरफुल होना पड़ता है, यू हैव टू बी हाईली केयरफुल कि आपने किस किस एरिया को, किस किस टॉपिक को कैसे लेके चलना है. ठीक है, अब इस चैप्टर में अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो ये पहला पार्ट नेचर ऑफ चेंज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ चेंज, ये आपके अटेम्प्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. फिर रिएक्शंस टू चेंज, यानी वो एरियाज हैं जो अभी तक टेस्ट हुए नहीं है पेपर में. स्किल्स ऑफ चेंज मैनेजमेंट, रोल ऑफ चेंज एजेंट, चेंज एजेंट का रोल, ये वो एरियाज हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जिसके ऊपर आप पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्जामिनर कोई ना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे और आपसे इवैल्यूएट करे इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को. व्हेन यू प्रिपेयर बी वेरी केयरफुल दैट यू हैव टू बी कंसिडरेट अबाउट दीज टॉपिक्स. ओके, ठीक है. थर्ड चैप्टर के सेकेंड हाफ का टेस्ट मैं ख्याल LMS पे अपलोड हो गया, चेक कर लीजिएगा. इन केस नहीं हुआ तो आई विल इन्फॉर्म द TA टू अपलोड इट. यू हैव टू अटेम्प्ट दैट टेस्ट एज सून एज पॉसिबल. नेक्स्ट वीक में आपके मिड टर्म्स आ रहे हैं. फिर फोर्थ चैप्टर का टेस्ट हम, अच्छा नहीं हुआ, चले मैं चेक करता हूँ, आई विल आस्क द TA. फिर फोर्थ चैप्टर का जो टेस्ट है वो हमारा इस वीकेंड पे, लेट मी आस्क जीशान के व्हाट्स हैपनिंग, मैं फिर आपको कंफर्म करके बताता हूँ TA से. फोर्थ चैप्टर का जो टेस्ट है वो हम इस फ्राइडे को करेंगे. फोर्थ चैप्टर का जो टेस्ट है, चले आई विल आस्क द अदर TA टू मैनेज, डोंट वरी. जो रेगुलर मेरा TA है क्लास का, मैं उसे कहूँगा वो हैंडल कर लेगा, ये हो जाएगा इंशाल्लाह, आज अपलोड हो जाएंगे. ठीक है, टेस्ट में चेक करता हूँ आपके क्या प्रोग्रेस है और उसमें क्या इशू है, वो भी आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे, चेक हो गए. फोर्थ चैप्टर का टेस्ट होगा थर्सडे को. फोर्थ चैप्टर हम थर्सडे को टेस्ट करेंगे और फिफ्थ चैप्टर अपना हम कल डिस्कस करना शुरू कर देंगे. वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग फिफ्थ चैप्टर टुमारो. और फिफ्थ चैप्टर को हमने दो या तीन लेक्चर्स देने हैं मैक्सिमम. एज सून एज वी आर डन विद द फिफ्थ चैप्टर हम IT पे जंप करेंगे, IT को कंप्लीट करेंगे पहले, और IT को कंप्लीट करके फिर हम पार्ट सी और पार्ट डी पे आएंगे. तो इंशाल्लाह मिड टर्म्स पहले पहले आपका IT का पोर्शन जो है, मैंने आपको IT के पेज नंबर बता दिए थे, फ्रॉम पेज नंबर 31 जहाँ से IT का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है अप टिल नेटवर्क्स, IT नेटवर्क्स तक, क्योंकि नेटवर्क्स तक मतलब ये वो पोर्शन है जो आप AFC में पढ़ के आ चुके हैं पहले. So you already have studied this portion in your AFC examination, so that's why it won't be a problem for you. इसलिए IT का सिर्फ वो वाला portion मैं add कर रहा हूँ जो आपके examination में पहले आ चुका है. ठीक है, any questions so far? यहाँ तक कोई सवाल? गुड, चल ग्रेट, दैट्स ग्रेट. चलें, यू कैन हैव 5-10 मिनट्स. बेटा चेंज हमेशा पॉजिटिविटी के लिए होता है, लेकिन अक्सर अगर चेंज को इफेक्टिवली मैनेज ना किया जाए तो चेंज डिजास्ट्रस भी हो सकता है. चेंज का पर्पस पॉजिटिविटी होता है, हम चेंज इसलिए होते हैं कि हम चाहते हैं कि कुछ अच्छा करें. ठीक है, लेकिन अगर आप चेंज को इफेक्टिवली मैनेज नहीं करेंगे, सो जो चेंज है दैट माइट क्रिएट प्रॉब्लम. ठीक है, चेंज को मैनेज करना इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट. चेंज तो हर वक्त हो रहा होता है, चेंज तो हर इदारे में आ रहा होता है, हर वक्त आ रहा होता है. विद एवरी पासिंग मोमेंट
यू आर चेंजिंग, यू आर ट्राइंग टू चेंज, यू आर बिल्डिंग न्यू सिस्टम्स, न्यू आइडियाज, न्यू प्रोजेक्ट्स, लॉन्चिंग न्यू प्रोजेक्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है, हर वक्त आप चेंज हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि उस चेंज को आप मैनेज कैसे करते हैं, और इट डिपेंड्स कि वो चेंज कितना बड़ा है, ये डिपेंड करता है कि वो चेंज कितना ह्यूज है। अगर तो छोटा मोटा चेंज है तो फिर तो इशू कोई नहीं है, इंक्रीमेंटल चेंज है फिर तो मैनेज हो जाएगा, लेकिन अगर ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज है तो चेंज कैन वेरी इजी। हमने बल्कि हमने एक स्टेटमेंट भी पढ़ी थी, अगर आप ये स्टेटमेंट देखें तो हम कल चेंज एजेंट की बात कर रहे थे, तो उसमें उसने बड़ा क्लियरली लिखा हुआ था, ये स्टेटमेंट पढ़ो, रीड दिस स्टेटमेंट, लार्ज स्केल चेंज कैन इजीली गो रॉन्ग, दिस इट मीन्स कि चेंज नेगेटिव भी हो सकता है, इट विल नॉट ऑलवेज बी पॉजिटिव, इट डिपेंड्स कि आप चेंज को मैनेज कैसे कर रहे हैं। ओके ओके, अगला टॉपिक है हमारा कल्चर। कल्चर इज अ वेरी क्विक चैप्टर, ओनली 7-8 पेजेस। कल्चर में भी हमने दो चीज़ें पढ़नी है, पहला हमने पढ़ना है कल्चर होता क्या है, और फिर हमने पढ़ने हैं कल्चर के कुछ मॉडल्स। सबसे मशहूर मॉडल है एडगर स्काइन का। एडगर स्काइन का मॉडल अभी तक पेपर में नहीं आया, हैंडी का मॉडल आ चुका है, हॉफस्टेड का मॉडल आ चुका है, एडगर स्काइन का नहीं आया पेपर में। सो व्हाट इज कल्चर एंड देन मॉडल्स ऑफ कल्चर, सेम कॉन्सेप्ट है, स्टार्टिंग फ्रॉम 123 पेज नंबर और क्लोजिंग ऑन 123 से स्टार्ट हो रहा है और 131 पे एंड हो रहा है। इट्स अ वेरी हैंडी चैप्टर, बड़ा क्विक चैप्टर है। इस चैप्टर को हार्डली 2 से 3 क्लासेस देनी है हमने, मैक्सिमम बाय थर्सडे वी विल बी डन विद दिस चैप्टर। इस वीक में आप रिवीजन स्टार्ट कर लें, आपकी रिवीजन बड़ी इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिवाइज द सब्जेक्ट थॉरली प्रिसाइजली, ठीक है। आप जितनी रिवीजन्स करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, जितनी टाइमली रिवीजन्स करेंगे उतना बेहतर होगा आपके लिए। स्टार्ट रिवाइजिंग योर सब्जेक्ट, इट विल हेल्प यू अलॉट इन टर्म्स ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर मिड टर्म्स, क्योंकि मिड टर्म्स में आपका तकरीबन 55% कोर्स कवर कर रहा हूँ मैं, और उसके अंदर आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो फर्स्ट 2 चैप्टर्स पार्ट ए हैं, फिर थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर पार्ट बी है। ये दोनों पार्ट्स पेपर में स्पेशल इम्पोर्टेंस रखते हैं, ये दोनों पार्ट्स पेपर में स्पेशल इम्पोर्टेंस जो है वो रखते हैं, ठीक है। यू हैव टू मेक श्योर कि आप इसके अंदर किस तरह से ऑपरेट करते हैं और कितना इसके अंदर आप मेहनत करते हैं। जी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ बेटा कि पहले 5 चैप्टर्स पेपर में कम से कम 45% कंट्रीब्यूट करते हैं, इसमें 11 चैप्टर ऐड आप कर लें तो 11 चैप्टर और 5th चैप्टर, ये पहले 5 चैप्टर मिला के 60% है आपके पूरे कोर्स का, दैट इज 60% ऑफ योर होल सब्जेक्ट, एंड दैट्स अ ह्यूज परसेंटेज, ये ह्यूज परसेंटेज है। ठीक है, so you just need to work hard, you just need to put in more effort, you just need to give more heart and soul to your studies. मेहनत करें, effort input करें, काम को थोड़ा seriously लेके चलें, तो hopefully इंशाल्लाह आप आसानी से कर जाएंगे। But if you will not give it any further effort, that would create a disaster, unfortunately. बाकी जिस स्टूडेंट ने सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट लिया है अभी, मिशाल लईक हमारी स्टूडेंट है BMBS की, जिसने सर्टिफिकेट लिया है अभी BMBS में, मैं आई एम रिक्वेस्टिंग हर कि कल या परसों की क्लास में वो मुझे कंपनी करे और वो आपसे थोड़ी बात करे। आई लेट हर टॉक टू यू, she will tell you that how did she prepare for the paper, usne kin cheezon pe focus kiya tha, usne kin kin aspects pe zyada mehnat ki thi, uska zyada focal area kaun sa tha, so she will be talking to you on this particular area. isse fayda ye hoga ki aapko idea ho jayega ki aapne kin notes pe mehnat karni hai, how are you going to put in more effort, theek hai, to inshallah ye kal ya parson I am trying के हम उससे डिस्कशन करें, एंड शी विल टेल यू सम टिप्स। आज मैंने रेगुलर क्लासेस में तो उसका सेशन करवा दिया था,
इन माय रेगुलर सेशंस, तो आई विल इंशाल्लाह रिक्वेस्ट हर के वो कल हमारी ऑनलाइन क्लास में भी या परसों, आई विल टॉक टू हर टुडे व्हेन व्हेन शी विल बी अवेलेबल, उसे मैं फिर ऑनलाइन क्लास में बुलाऊंगा और उससे फिर हम बात करेंगे. एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर क्वेरी यू हैव इन माइंड, कोई और बात पूछनी है, कोई और कंसर्न है? आई होप आपकी तैयारी अच्छी हो रही है, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, नॉट ओनली BMBS बाकी सारे सब्जेक्ट्स को आप एफर्ट दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं. जिस सब्जेक्ट में आपको लगे कि आपकी जो वीकनेसेस हैं उनको आप थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करें. देखें, इट्स नॉट पॉसिबल कि एक स्टूडेंट जो है वो सारे सब्जेक्ट्स में इक्वली गुड हो, बड़ा मुश्किल होता है. देर आर चांसेस कि आप किसी सब्जेक्ट में आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म करें, देर आर चांसेस कि आप किसी सब्जेक्ट के अंदर कोई आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी वीक हो. तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको जिस सब्जेक्ट में आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी वीक है उसको फिर आपने थोड़ा बेहतर प्रिपेयर करना है, ठीक है? और जिस सब्जेक्ट में आपकी परफॉर्मेंस बेहतर है उसको आपने मज़ीद स्ट्रेंथन करना है, ताकि उसमें आप आगे फिर अपना किसी यू नो मेरिट को टारगेट करें, सर्टिफिकेट को टारगेट करें. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वेरी क्लियर कि आपके आपकी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए. अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करें, मेक अ टाइम टेबल, स्टिक टू दैट टाइम टेबल एंड मेक श्योर कि फिर आप उस टाइम टेबल को प्रिसाइजली फॉलो भी कर रहे हैं, उस पर आप मेहनत भी कर रहे हैं. तो जितना आप अपनी प्रायोरिटीज़ को स्ट्रेट करेंगे उतना आपके लिए इफेक्टिवनेस बेहतर हो जाएगी. जितना आपकी प्रायोरिटीज़ वीक होंगी आपकी इफेक्टिवनेस भी वीक हो जाएगी. सो बी वेरी केयरफुल टू सेट योर प्रायोरिटीज एंड टू आइडेंटिफाई दैट हाउ आर यू गोइंग टू गिव इट एफर्ट. ठीक है, डन जी, ओके, ग्रेट. चलें विद दिस नोट लेट्स क्लोज इट हियर. इंशाल्लाह कल कल्चर को स्टार्ट करेंगे, जाने चाहो तो. बाकी कोई इशू हो, कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप पे मैं अवेलेबल हूँ, यू नो दैट. You can always catch up with me, clarify any concern you have. See you tomorrow, inshallah. Thank you, Allah Hafiz.